हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, एक बहुत ही बड़ी अपडेट अभी आप लोगों को देख सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है जिसमें एक अपडेट आ रही है कि नो चेंज इन नीट यूजी पैटर्न। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू ये आप लोगों का अपडेट आ रही है। ठीक है कि कोई भी चेंज नीट यूजी पैटर्न में नहीं रहेगा। ओके, ये आप देख सकते हैं 2 मार्च, ठीक है, सुबह 8:04 पे ये पब्लिश करा गया था ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया। आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पूरा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या डिटेलिंग थी इसमें। ठीक है, द नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज विल हैव नो चेंजेस। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे दिस ईयर्स। ठीक है, दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन द पेन पेपर बिटवीन द जून एंड जुलाई। ठीक है, मतलब आप लोगों का ये ऑफलाइन ही होगा, पेन पेपर मोड में होगा और जून और जुलाई के बीच में होगा। मतलब ये कंफर्म है कि आप लोगों का मई में पेपर नहीं होगा और ये थोड़ा सा पोस्टपोन करके जून या आपके जुलाई में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के अमित खरे जी ने कहा है जो सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के। ठीक है, सेट इट वुड बी अनफेयर ऑन द स्टूडेंट्स टू मेक एनी चेंजेस ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस एंड डिले। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये चेंजेस इस साल से इसलिए नहीं लाए जा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोगों को इन्फॉर्म करके एकदम से सारी चीजें करना सही नहीं रहेगा, अनफेयर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। आगे मैं पूरा आप लोगों को रीड करके दे देता हूँ। अकॉर्डिंग टू करे, इन अवर व्यू नीट शुड बी हेल्ड मोर देन ट्वाइस, मोर देन वंस आई एम, बिकॉज एट इट इज पॉसिबल दैट फॉर सम रीजन अ कैंडिडेट इज नॉट एबल टू प्रॉपरली कंसेंट्रेट फॉर अ पर्टिकुलर अटेम्प्ट। मतलब उनका कहना यह है कि हमारी राय से कि नीट को 2 बार होना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी रीजन की वजह से अपना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। दैट शुड नॉट रिजल्ट इन द वेस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, जिसकी वजह से उनका पूरा साल जो बर्बाद जाता है वो ना जाए। बट मल्टीपल एग्जाम कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन पेन एंड पेपर मोड, इट विल हैव टू बी कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, तो उनका कहने का ये मतलब है, लेकिन जो एग्जामिनेशन अगर मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट कराया जाता है तो उसको पेन और पेपर मोड में नहीं करा सकते, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है, रिक्वायर्स कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, सारे के उनको पहले ये सब चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि आप लोगों का देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेई एंड नीट। ठीक है, जेई और नीट में डिफरेंस होता है। ठीक है, जेई इज नॉट कंपल्सरी, क्योंकि जेई जो होता है वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए कंपल्सरी नहीं होता है। बट अगर आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको नीट देना पड़ेगा। वेयर एज नीट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू ऑल द मेडिकल कॉलेज। ऑल्सो सपोज अ बायोलॉजी स्टूडेंट इज नॉट कंफर्टेबल विद अ कंप्यूटर, दे नीड टू प्रैक्टिस एंड लर्न। ठीक है, और ये भी कहा है कि बायोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता है कंप्यूटर से। ठीक है, और उनको प्रैक्टिस चाहिए होता है। दैट इज वाई फॉर एनी चेंजेस वी विल गिव 6 to 8 month नोटिस। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा है कि अब इसीलिए वो जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो कंप्यूटर में इतना एक्सपर्ट नहीं होता, इसीलिए अगर कोई भी चेंज होता है तो हम उसको 6 से 7 8 महीने पहले बच्चों को बताएंगे ताकि वो उस चीज को प्रैक्टिस कर सके। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इस साल नीट के पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आएंगे। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, कभी इनका कुछ रहता है कभी कहते हैं कुछ, और अब ये अपडेट आ रही है कि आप लोगों को कोई भी चेंज नहीं रहेगा नीट 2021 पैटर्न में। अभी फिलहाल ये आर्टिकल आया है, ठीक है, और शायद अब 1 2 दिन में आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर सारी चीजें क्लियर एंड कट हो जाती है। बट मेरी तरफ से अब मैं ये कहूंगा कि भाई कोई भरोसा नहीं है, अगर आप लोग ये सोच के बैठे हो कि 2 टाइम्स होता है क्या होता है, तो इससे बढ़िया है आप शांति से अपने स्टडीज पे लग जाइए। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो होता है 1 2 दिन में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो आर्टिकल आया था उसमें ये बताया गया था कि आप लोगों को फरवरी एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में नीट की डेट्स के लिए क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, और एग्जामिनेशन के जैसे ये कह रहे हैं कि जुलाई या जून या जुलाई में होने को है, तो मतलब वही समझिए कि जून एंड या जुलाई तक आप लोगों का एग्जामिनेशन भी सिंगल अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट अभी ये कह रहे हैं, मना कर रहे नहीं होना। बाकी ऑफिशियल अपडेट 1 2 दिन में आ जाएंगी, मैं आप लोगों को सारी अपडेट दे दूंगा। अब मेरा यही आप सभी व्यूअर से यही कहना है कि भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, चीजों को मजाक मत लीजिए, अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अभी भी टाइम है, अगर तरीके से आप लोग लगे तो काफी टाइम है, अगर अच्छे से कंसंट्रेट होकर लगे। ओके, और तरीके से लग जाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, आप लोग उसमें क्लिक करेंगे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट होती है, मैंने ये आर्टिकल कब का अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दिया, तो आप लोगों को वीडियोज भी नहीं देखने की जरूरत, वहीं पर आप लोगों को आर्टिकल्स की कॉपी या कुछ भी अपडेट आएगी मिल जाएगी। अगर ब्लॉग्स करके है, ठीक है, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ज्वाइनिंग नहीं।
पैसा नहीं लगता, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी अपडेट्स होगी वहां पे मिल जाएगी। और साथ ही में यार सीरियस हो जाओ, अच्छे से पढ़ो। ओके, चलो फिर, कोई भी अपडेट होती है मैं आप लोगों को देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपके साथ वाले फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको डिटेल्स की जरूरत है, उसके साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।